कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कम्पलान देवता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। दो महासतो जो भी अक्षत लिए हैं पूरे चढ़ा दीजिए। गजानन जी महाराज को याद सुमश्चिदंतस्य अभिलो जगन्नक अम्बोदस्य विघटो विघ्ननाशो विनायक अम्रकेतुर्गणालक्षो आलचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि यापणे च विद्यारभे इत्यारम्भे व्यारेश्य सर्वेषे निरमे तदा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरं धरं देवं शशिवर्णं जदरोजं कृष्णवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमोऽस्ते। वक्रतुण्डः महाकाय सूर्यकोटिसमभाव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते ओजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुपदम् अखण्डमण्डलाधिकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में एक चौपाई में लिखे है, यह कलयुगी का यह कलयुगी का हो परमी प्रताप हो यह कलयुगी का परमी प्रताप मानस पुण्य हो नहीं पापा मानस पुण्य हो नहीं पापा यह कलयुग का परमी प्रताप यह कलयुग का परमी प्रताप मानस पुण्य हो नहीं पापा मानस पुण्य हुई नहीं पापा जे सिया राम जे हो जे सिया राम जे सिया रामा जे सिया राम जे सिया रामा जे सिया राम जे सिया रामा जे सिया राम जे सिया रामा। गंगा नदी के बारे में बतायो कि हिंदू समाज में हिंदू संस्कृति में माया गंगा रो बड़ो महत्व है। जीवता जुगा में भी है और संसार छोड़न जाता है तो उन बात में भी है। गंगा हरिद्वार और गंगा जल रो और गंगा रा नाम रो हर हर गंगे रो बड़ो महत्व है। सजना हिंदू समाज रा लोग हिनान करे तो ही हर हर गंगे करे। हरिद्वार में कोई साल में बारह मासी नावे कोई पुण्य प्राप्त करने वास्ते साल में एक आध बार तीर्थ करने वास्ते जावे। और यूं तो आपने संसारिक अपन कर्मार में छोटे संस्कार में जिन टाइम आदमी संसार छोड़न जाते रहे बिने भी बिना बच्चा है टाबर है जो बिना हरिद्वार फूल ले जावे। गंगा मैया रो अपनी संस्कृति में गंगा शब्द रो गंगा जल रो हरिद्वार रो ऋषिकेश रो प्रयागराज रो बड़ो महत्व है। क्योंकि गंगा पतित पावनी नदी है जो पाप ने ताप ने संताप ने शब ने गंगा मैया हर लिया। आज माँ गंगा अपनो जो भारतीय संस्कृति है बिना आधार ही तीन है। अपनी भारतीय संस्कृति रा आर्यावर्त संस्कृति रा हिंदू समाज की संस्कृति रा तीन आधार है। पहलो आधार है गौ दूजो गंगा और तीजो गायत्री। गौ गंगा और गायत्री ही ये तीनों है जो को अपना धर्म संस्कार रा जो को सजना आधार बतायो रहा है। गायत्री उपासना गंगा मैया प्रति अपनो भाव और गौ माता प्रति अपनो सेवा भाव। क्यों जो को गौ माता की सेवा कर लेवे बिन गंगा जी जाऊनी जरूरत नहीं और जो गंगा जी ज्यादा जाता है उन्हें दूजो कोई कर्म करने जरूरत को नहीं। और जो गायत्री पाठ यानी माँ
मारी स्तुति कर ले जो अपनी माँ ने मान लेवे उन बात में दूजे कोई ने देवी देवता की आवश्यकता को नहीं, क्योंकि माँ से बड़ा कोई नहीं, चाहे गंगा माँ हो, चाहे गायत्री माँ हो, चाहे गौ माँ हो, चाहे भारत माता हो, चाहे धरती माता हो, चाहे धर्मदेव नाली माता हो, जिस जगह पे माँ लग शब्द लग जाता है उस जगह पे फिर दूसरी कोई परिभाषा नहीं आती। लेकिन आज के दिन में थोड़ी सी गंगा नदी की अवस्था है बा बिगड़ी हुई है, जगह जगह रे माते गंगा नदी दूषित हो रही है जगह जगह। हालांकि अपना देश का प्रधानमंत्री जी कोशिश भी कर रहा है भी गंगा ने शुद्ध करनी, लेकिन एक आदमी की कोशिश कहीं हुई, कोशिश तो आप हगला ही करना जाना। आज के दिन में गंगा दूषित है और गंगा ने अलावा गांव वाला जैसे आप मान लो आप गांव रो तालाब है तो वो भी तो सरोवर है, पुष्कर है, बराबर है, लेकिन आज के दिन में आज 20 40 50 साल पहले तो तालाब में है जो को जुर्मानो लाग तो कोई मैं जाता को नहीं, और आज के दिन में तालाबारी है गांव रा जो कोई गांव ही तालाब है मेरी कई हालात है जो को आप छुपियो को नहीं मारू छुपियो को नहीं भी सरोवर ने भी पुष्कर ने भी तालाब ने जिन दिन दू लोग गंदो करनो हरू करियो उन दिन धरती माते तालाब में पानी होकनो हरू कर दियो। बाकी आज 50 साल 60 साल पहली 70 साल पहली अटकीसो हरिद्वारो गंगारो पानी पुष्करो पानी हिमालय रो पानी अपने आतो हो आप लोग पच कहीं बिना पानी रहता है उन टाइम में तालाब हा पोखर हा जो को हगलाई काम आता। लेकिन धीरे ज्यो ज्यो है जो को आदमी भ्रष्ट वेतो की और ज्यो ज्यो है तालाब है पोखर है ये जो को सरोवर है इन्हें हुगला करना इन्हें गंदा करना शुरू किया, परमात्मा ने पतो लागो कि इनकी महिमा धीरे धीरे इंसान कम कर रहा है तो परमात्मा ने वहां से पानी उठा दी और सब अपने क्यों द्रायो है अपने क्यों द्रायो है। तो महाराज आज गंगा नदी पुकार करे अपने कि भाई मारो शुद्धिकरण राखो, गंगा कहे कि मैंने शुद्ध राखो अशुद्ध मत राखो, क्योंकि मैं थाने जीवता ने भी तारो जीवन सुधारो और मरिया ने बाद में भी तारो जीवन सुधारो और मार में थे कचरो डालो और थे मैंने गंदी करो तो वो नहीं है। तो आओ दो मिनट मैया गंगा ने याद करा सुनो तो गंगा ये क्या सुनाई के मेरे तट पर वो लोग आए, कहिए गंगा ये क्या सुनाई के मेरे तट पर वो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जा हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे गंगा
पाप धोते धोते
में घमंड आएगो। आप घमंड मत कर जो कि मार्के होनो है, चांदी है, पैया टका है, धन है, दौलत है, किसी चीज का अभिमान करना मत, क्योंकि करेगा अभिमान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। आज गोपियां जिन टाइम अभिमान करियो तो भगवान राधे रानी के साथ खड़ा हो और मैंने लागो तुम्हारी गोपियां अभिमान में आएगी और भगवान उठ गोपियां का अंतर ध्यान देगा। अब गोपियां का जीव अंतर ध्यान दिया है तो मतलब भगवान राम रे कनु है जो भगवान रे कनु में गोपियां बिछड़ गई और आप कोई आदमी आपको दूर जावे लानी जन आपने भी कीमत पत्र पड़ेगा। और हम ये बात तो अपने याद में तो दशरथ जी महाराज कनु जिनके राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास में गया तो सुमंत जी महाराज ने राज भेजा के दो चार दिन घुमान ले पाचा जाजे। सुमंत जी जिनके खाली आया तो सुमंत जी महाराज ने खाली आयोरा देख लिया राम और दशरथ जी महाराज निदान अवस्था में पड़िया तो दौड़ जाने की बोले सुमंत मारो राम कटे मारे लक्ष्मण कटे मारो सीता कटे उन टाइम है जो को सुमंत जी के महाराज मैं तो क्यों कि मैं तुम्हारे पिता की मर्यादा का पालन करने वास्ते जो को अटू पाचा वनवास में नहीं आया 14 साल तो काम है तो उन टाइम कहे कि राम कही अरे राम कही राम रामा रामी रामी कही रामी और रामी सुमरण करते करते राव गए सूरी धाम। भगवान रामो इतो विरह हो इतो रामो विरह हो कि भगवान दशरथ जी महाराज प्राण त्याग दिया और सीता मैया कने जिन टाइम हनुमान जी गया और हनुमान जी महाराज मुंदड़ी लेन गया नी तो मुंदड़ी के वास्ते हनुमान जी मन में विचार करियो कि मां ने की कर देऊं और वह मुंदड़ी जिनके मां सीता गोदी में फटकी नहीं तो सीता मैया कहीं की हो अरे जीती तो सकाया अजय रघुराही माया से रसी नहीं जाईगा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम नाम गुण सुमिरन लागा सुनकर सीता ने कर मगा मैं तो गाऊं अपने प्रभु की वाणी अब कहानी सुना रे राम कहानी। सीता मैया बिन मुंदरी ने रखी तो मन में विचार कर क्यों भगवान बिछड़ी रही हिमा क्यों जीती को सकई अजय रुक रही और माया से अच्छी रची नहीं जाई और हनुमान जी महाराज राम जी का नाम लेकर रुका तो सीता मैया ने बेमायो को राक्षस से कटे रूप बदलने आयो तो भगवान राम के बारे में हनुमान जी कही कियो राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की मैं तो सब लिया तो स्वामी गया श्याम सवरिया ढूंढ बनी बनी में हे मगन मन में कोई राह बता दिशा में गया साम सवरिया को दिशा में ताली बजा के सभी सुनाओ
सबरिया को गया राम सबरिया ढूंढू मन मन में ओ मगन मन में कोई राम बता रास्ता बता तू दिशा में गया शाम सबरिया को दिशा में
कभी छेड़े कभी बात करे, ये राधा जले ये राधा जले, आग तन मन में लगे कितनी ये राधा जले, बचपन में बने का नाथ जी को पीछे मिले, अभी तो राधा के ही प्रेम के फूल खिले, ये राधा जले ये राधा जले ये राधा जले। ताली बजा देंगे सभी।
लाल जी रामता जी गोटड़ीवाल खाकर की बोरुंदा 11,000 मानकचंद जी राव मां साहब जो अपने साथ में रहते हैं सामने राव राजू भाई के पिताजी राजू भाई मनोज भाई ये तीन भाई हैं और इनकी तरफ से भी 11,000 रुपया संपतराज जी मुंडेल हरदेव जी खांगटा संपतराज जी मुंडेल परिवार जिन्होंने एक दिन की भोजन की व्यवस्था भी ली है इन्होंने भी जो है 11,000 रुपये सत्यनारायण जी मोहनलाल जी रतवा हरियाणा यानी मेरे परिवार के द्वारा भी श्री वसुदेव सिंह जी चारण साहब जीवन सिंह जी चारण मड़वा जयपुर वालों ने 11,000 श्रीमान ओम प्रकाश जी रामचंद्र जी बिरोल ओम जी बिरोल वालों ने और श्रीमान मनोहरलाल जी सोन कुमार जी गुलाब सागर जी धनीधर जी तेजराज जी दादी सुपुत्र गंगा विशन जी नामावाल रंसी गांव वालों ने और राम निवास जी रमेश जी महेश जी मुरली जी जितेंद्र जी विकास जी कुंबिया सनोप शिवराज जी बोरुंदा इन्होंने भी 11,000 और श्रीमान राजेंद्र जी बाड़ी इन्होंने भी 11,000 रुपए कुल मिलाकर के इन 12 जजमानों ने एक एक जाली बनाने का जो संकल्प लिया उसके अलावा अभी भी अपने पास में 19 जालियां और बाकी हैं तो मेरा निवेदन है आपसे एक जाली और घोषणा आएगी जोरदार तालियों से स्वागत रतावा परिवार हल्का की तरफ से जोरदार तालियों से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन नाम पूछ लीजिएगा नाम लिखिएगा बहुत बहुत साधुवाद कोई भी देखो वो दान पुण्य तो जाए माँ महर्षि दधीची और माँ दधिपति चरणा में और मंदिरों विकास हुई और साथ में आपका परिवार और नाम भी रोशन हुई कि भाई ये परिवार जो को धनरो सदुपयोग है जो को मारे चरणा में करियो है तो आपने रतावा परिवार में नाम भूल गो हूँ एक बार नाम लिख के जावेला आपको लाख लाख धन्यवाद बहुत साधुवाद और इन साथ आज रो एक 5 मिनट 2 मिनट और कार्यक्रम उन बाद में पांच कथा में प्रवेश करा साथ में पंडित जी महाराज स्वागत भी कि आज जो आज 9 दिवसीय जो अपना 10 दिवसीय कार्यक्रम चल रही हो इनमें जो को वास रो भगवान ने शयन रो जो को अपना करामा रोज कदे आप पुष्पा में सुवानिया कदे धान में सुवानिया कदे वस्त्र में सुवानिया कदे गीरे में सुवानिया तो आज जो भगवान ने आप सुवाना जो को वास वेला जिन्हें शयन किया करे ब्राह्मण अपनी भाषा में लेकिन आप तो मारवाड़ी में हमत जमा कि पटिया लिखा पंडित लोग अपनी संस्कृत भाषा लोग जाने में तो अपन मारवाड़ी आदि तो अपन तो बोरुंदा वाली भाषा में हमत जो कि भगवान के वास्ते आज फल ले रहा यहाँ और आज भगवान ने फल में सुवाना ला यानी कह रहे संत महात्मा के फल दिया फल मिले भाई जो को भगवान ने जो को फल चढ़ावेला और बे फल में भगवान ने वास करानो है ये जितना भी फल है कासा कुंटल बढ़िया फल लायोड़ा है और ये फल वास है जो को भगवान ने आज फल में सुवाना ला वो जीवन में बहुत कम दुर्लभ मौको मिलिया करे क्योंकि जीवन में ऐसा महर्षि दधीची मूर्ति की स्थापना तो अब आप उड़ंदर में आ बसंत पंचमी ने भेजा इन बाद में पांचों इंद्र में दूजी मूर्ति की आवश्यकता को नहीं पड़े इन प्रकार जीवन में बार बार मौको नहीं मिले कि आपा भगवान ने दान में सुलाए दाक आपा भगवान ने मिठाई में सुलाए दाक काजू बादाम में सुलाए दाक पैसा में सुलाए दाक फल फ्रूट में सुलाए दाक जिन्हों भाग में जो को भाग ले जावे और पच सब मोटी बात है कि आप जो को ए फल चढ़ाओ ए फला ने पाचो ये जनता ने जिकाले बांट देवा जन आप रो इतो प्रसाद भी है जो को इतना जनता रे मुंडे जाई जन परमात्मा रे कहो हैं कि भाई वाक्य में कोई बाकी परिवार हो जो को भगवान ने जो है प्रसाद रे में जो को फला रे में भगवान ने सुलाया है और कह नहीं भाई हरिया भरिया फल है जो को परिवार ने हरियो भरियो रखे जो 2100 रुपया है जो को बोली है वो दो तीन तीन परिवार वाले साथ जोरदार तारा साथ स्वागत नाम लिखो सा पहलो नाम तो थाने ठाई जे अमर नाम छपियोड़ो है ओम जी बिरोल उसके बाद में हाँ नहीं नहीं एक तो ओम जी बिरोल एक अपने दूसरा बिरोल वाला टेंट वाला किशन जी और तीजोड़ा बीग जी सही बोली हूँ सर जोपट खाकर की परिवार जोरदार तालियों साथ स्वागत वंदन अभिनंदन बहुत बहुत साधुवाद आपका बहुत बहुत जोरदार तालियों साथ में स्वागत वंदन अभिनंदन और एक रहता परिवार फालका भाई जो को हमारी 11,000 जाले बोली चार हमें तो एक और सही पांच में परमेश्वर और परमात्मा रो वासो भगवान जी करता हूं जो पांच जजमान भेजे जन बेड़ो पार भेजी और मारी बात सुनो इमे एक और है
કે ભાઈ જીનો જેડો ઘર કયો કરે બેરો કરે એ ચાર જજમાન 2100 રૂપિયાનો વેકા કોઈ કોઈ રો મારા હીર કો કોઈ વે માન લો પીલી ની પે હેંગાણા કરે કોઈ 1100 રૂપિયા દેન બી જજમાન ભરી છાવે તો એતરા જ કોની એ દેવાસી બાબા ખડા વેકા 1100 રૂપિયા મે જોર દાતાનો સ્વાગત મે તો ચાવા પામનાનો કામ એ જજમાન હારે એક દુજરા દેવાસી બાબા ઓર હરુ વેકા ક્યા વાત હે બારે બાબુજી મહારાજ કી ભગવાન ની કૃપા વેની છે નામ લખ લો ભાઈ આપે આગે ડાયરી લેના ઓડા પંડિતજી बहुत बहुत जोरदार चाले साथे स्वागत वंदन अभिनंदन भगवान ने फलान में होने वाला पच ए आपरा फल ए धर्मा ए सेवा ए बोर ए संतरा एक और हनुमान जी हनुमान जी रंसी गांव जोरदार चाले साथ आती जे हगलो पूरा डिपार्टमेंट और ले लियो अरे ले लो लावो ले लो रे भक्ति रो ए अवसर मिले ने बार में बार लावो ले लो रे भक्ति रो रे अवसर मिले ने बार में बार मिले ने बार में बार भाई ना मिले ने दूजी बार लावो ले लो रे सत्संग रो अवसर मिले ने बार में बार बाबा जी मारे गरबले बंद हो लेने जावे बोलो सर अरे ले जाएंगे दिल वाले मुखांगत ले जाएंगे रह जाएंगे मेरे देश पूंजी रह जाएंगे क्या बात है भाई गणपति ने भाई जी दो नाम लिखा है थे जान तो ना पाया कम नहीं है मिनका कने पयो गणो तो पाया कने जीव गणो हां भाई मिनका कने पयो तो पाया कने जीव है जी ने जीव है जी ने हनुमान रे भाई जी दो जगह भैया अरे एम पूछ लो कहीं तो तीन नहीं करते कोई भरोसा को नहीं साथ साथ में निवेदन निवेदन गुड़गांव सत्यनारायण जी ऋणवा संरक्षक साहब से कि कृपया मंच में पधारे और हमारे बीच पधारे हुए जो है पवित्र मूर्ति का स्वागत करें जोरदार तालक साहब के स्वागत कृपया जल्दी मंच में पधारे आपने अपना नाम लिखा सा हैंगन गुनावाला सबरो स्वागत करेला जो को नाम लिखा दे जो साथ एक नाम गोलगा सा देवासी बाबा और बाबू जी महाराज की कृपा वेगी ये भगवान रा भगत सब लोग है अरे लाओ ले ले इज रे काकी हां जो को नहीं ले लाओ जो को रे जाई बाकी मैं तो मन में विचार करू खूब आनंद लो और काले आपने एक बोड़ा वाला ने बोड़ा आनंद देने हां आपरा बोड़ा का इतिहास में भागवत घणी रही है लेकिन बोड़ा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब कम से कम एक ट्रक पर पाएगा एक ट्रक पर मंगाई वहां और वो भी रंगीन पर 11,000 रुपए की जारी की घोषणा की गई है जोरदार तालियों के साथ में स्वागत मांगीलाल जी बाबूलाल जी शनोक बंसीलाल जी रत्तावा परिवार फालका वालों ने एक 11,000 रुपए की घोषणा और इन्होंने फिर आज फलादी मास भी लिया है कल भी आपने और दिया था आपका बहुत बहुत धन्यवाद है फालका वालों का बहुत बहुत उमा शंकर जी पंडित जी का स्वागत साल के दौरे साथ में एक माला भी बिल्कुल जानो पड़े संतान घरे ब्राह्मणा घरे तो हम ही जानो पड़े आज अभी थे पंडित जी थाना ही जमाई है यो हद करो सतु जी थे तो पूरा ही पटरो धारण कर ले थोड़ा ना मारे की लागे चेहरा देखो उठी ने मारना तो बड़ी कृपा है प्यास कर दी उमा शंकर जी भाई साहब की मैं रुकने नाम लियो श्याम जी उपाध्याय की तरफ से वास में जोरदार तालों के साथ में स्वागत वंदन अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत पंडित जी से निवेदन कि आपके वास की तैयारी करें श्री कृष्ण कन्हैयालाल की उमा शंकर जी महाराज का व्यासपीठ की तरफ से स्वागत और साथ में निवेदन करूंगा श्रीमती उमा शंकर जी से कि वो भी कृपया मंच पे पधारे आपका भी व्यासपीठ की तरफ से स्वागत है श्रीमती उमा शंकर जी से भी निवेदन है कि कृपया मंच पे पधारे मैं जानो साहब से मैं माता जी भी हम ही बैठा हुए थे तो हम ही कहा बहुत बहुत धन्यवाद थोड़े घड़ी रेट बढ़ाओ आजकल अभी सीधे पहल के छड़ा है नमके भी थोड़ी और देख बनो इन बात है धन की हो ये व्यासपीठ जो है आपसे लेगी नहीं ये व्यासपीठ आपको देगी इसलिए मैंने बोला है जोली ले रहे और आप इसको प्रसाद को ग्रहण करें क्योंकि ये व्यासपीठ आपको देखने वाली है और आप लेने वाले हो इस गांव के बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद आइए पुनः भगवान की कथा में प्रवेश लोक कलाकार भाई पूनम चंद जी सत्तान जी कोम्बिया परिवार दोनों भाई
जोरदार तरह से स्वागत भाई जिन्होंने आज की महाप्रसादी का लाभ लिया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और स्वागत। आज अक्रूर जी महाराज भगवान ने जिनके मंत्र माते बैठा ले जावे संत महात्मा कहे कि महाराज अक्रूर जी महाराज ने मंदिर में दुख के देखो आज कहना ऊंदा काम रो साक्षी बनायो हो सत्यनारायण जी पूनम चंद जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, हो सकता नाम में कुट रह जाए, अभी आपको थोड़ी देर बाद बुलाएंगे। पूनम भाई एक बात हमारे समझ में बने गापा की जगह नहीं नहीं मैं तो यूज पूछे हूँ मैं आठ को हमारे एड्रेस कर कुछ संत महात्मा कहे महाराज भाई तुम भी खेवैया वैसे हम हैं और भाई भाई से लेना शर्म है। श्रीमान लदराम जी पंचारिया नाम लिख लीजिएगा, फल सेवा में भोजन सेवा में आज की भोजन सेवा में थोड़ी सी त्रुटि है, साथ में लदराम जी पंचारिया परिवार ने भी आज की महाप्रसादी का लाभ लिया है, जोरदार तालु साथ में स्वागत और सतनाम जी पूनम चंद जी ने लिया है। संत महात्मा कह रहे कि महाराज अक्रूर जी महाराज की आंखें हमें आंसू मन में दुख और भगवान अपना भगत रो दुख हमेशा पहचान लिया करे, भगवान ने समझ में आ जावे कि आज मारो भगत है जो वो दुखी है। और थोड़ी देर आगे क्या अक्रूर जी महाराज ने जको भाया कोई कारणवश छोटा मोटा काम हो जावे जको दुखी कोनी और जको मैं एक निवेदन करूं भाई पूनम जी वाले भाई ने बेटा निवेदन करूं आप दो तीन बच्चियां मड़कर ना हो दो तीन बेट बेटियां आगे आ जावे एक पंडित जी महाराज तीन थालियां देवे तीन चार बहन बेटियां आगे आ जावे और वो हथलेवा मांगी उन्हीं में हो सके कोई गुल्लू घरे जाते रहना हथलेवा रुपया देता जाजो भाई हाँ चूकू को नहीं हो और हथलेवा में जो को भी पैसा आया ध्यान सुर सुनो बेटा गुड़िया इस हथलेवे के पैसे को आपको यहाँ पर दो आदमियों को देना है और वो पैसे गिनेंगे कितने पैसे आए आपको एक कैरेट या कुछ बड़ा बर्तन रख देवे इन हथलेवा में जो को 108 रुपया मांगिया कोई 500 भी दे सके हो ऐतराज को मना नहीं करूँ कोई चर्चा नहीं महाराज मैं तो 1100 दे तो दो तीन बहन बेटियां खड़ी हो जावे एक थाली और दे दो भाई एक और दे आप भी खड़े हो जाओ बेटा हाँ हो जाओ देखिए अपने लिए तो दुनिया करती परमात्मा के लिए करके देखिए आप इधर से ले आवे पुरुष समुदाय से सबसे और हथले वाला पया रुक्मणी रो ब्याह में जो हथले वो बेलो करा ए हथले वाला पया माता जी ने मंदिर शेवार में जावेला ए रुपया आप लोग जो माता जी ने मंदिर में 40-42 हजार रुपया एक वाटर कूलर लगवानी व्यवस्था रखाला तो 500-108 नीचे तो कोई दे जाए मत हल्ला तारी इच्छा भेज दे ताकि 40-50 हजार बेल हो जाए तो थोड़ा थोड़ा कम पानी तुम्हारे कहीं एक दो पानी हो देरी कर तो ले लेना और उम्मीद करो जितनी जनता बैठी अगर 108 रुपया दे दे हो तो वो फ्रीज तो हमारे जो दो घंटा में आ जाए बैठ बैठे निवेदन पाया कटो चल में फिर ले जो कोई है जो को बाकी मत जो सब ने ले लेजो अक्रूर जी महाराज ने मन में जिन टेम दुख देखे छोटा बच्चा नीचे उठाए दो अक्रूर जी महाराज ने मंदिर में जिन टेम दुख देवे तो संत महात्मा के भगवान समझ जावे और भगवान अक्रूर जी महाराज ने रथ रोके क्यों अक्रूर जी एक मिनट रथ नहीं रोको और अक्रूर जी महाराज जिन टेम रथ नहीं रोके तो बोले कहना कहीं बात यमुना ने किनारे हाँ यमुना रो ठंडो ठारी शीतल शीतल मंद सुगंध पानी बहने और अक्रूर जी महाराज ने भगवान कहे कि अक्रूर जी आपने नहीं लगे कि आज गर्मी ज्यादा है जो को थोड़ा सो आप दो डुबकी लगा काको पति जो हिनान करना तो की करे क्योंकि मैंने कहा है कि अक्रूर जीवन ने शांत जीवन में जो को दुख है भी तकलीफ ने शांत करना पड़ी और अक्रूर जी मन में विचार करियो कि भाई आज वाकई में माता में गर्मी छड़ी रही दो डुबकी मार लो जीव हो रहा वजह और जीव ही नीचे उतरिया तो कृष्ण भगवान क्यों काका पहले थे जाओ क्यों काना के थे इन बातें जाओ कि नदी है कटी ऊंडी वह तो कटी लील चंदी वह तो पग फिसल जा मैं छोटो टाबर हूं डूब जाऊं पहले तेरा जान थाक देख लो कि मारे हिनान कर दिया रहे तो मैं करूं नहीं तो काको हिनान कर ले मैं तारा हाथ लगा ले तो छुपो अक्रूर जी के बैठा ठीक है वाक्य में मैं काको हूं मोटो हूं मैं जाऊं पहले मैं और अक्रूर जी महाराज जीव भी ने नदी ने मैं डुबकी लगाई तो कहीं देखे कि कृष्ण भगवान मैं मुरली बजाओ तारा हंसता दिखिया और कृष्ण भगवान ने मुरली देख यार अक्रूर जी मन में सोचो कभी मैं नींद में तो नहीं हूँ अपना तो नहीं आयो और बारह यार के कृष्ण भगवान हंसे के कई काका कई बात पानी ठंडो है कि बाहर क्या नहीं अक्रूर जी पांच समय जावे इनके भगवान बारह आवे तो भगवान लारे देखे तो भगवान आगे देखे तो भगवान दाए देखे तो भगवान बाए देखे तो भगवान चारों मेर भगवान ही भगवान दिखे और अक्रूर जी मन में विचार करे परमात्मा भी हो कोई और भगवान हंसता हंसता उठे नदी में जल में अक्रूर जी ने कहे काका हाल तक समझ में को नहीं भाई हाल तक हमारे समझ नहीं क्यों मारे कौन है क्यों मैं हूं
माया कौन है कि मैं हूँ, आगे कौन है कि मैं हूँ, पीछे कौन कि मैं हूँ, दाएं आगे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। भगवान कह रहे मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं। जोरदार टंकार दी आवाज गई और है जो पूरी धरती हिलने लगी और बिन प्रणाम है जो को कंस मुकुट है जो को माता मातु नीचो पड़ियो तो कंस ने कुह कर दिया और कंस एकदम हड़बड़ी जो कई बात है कोई भूकंप आएगो कहीं एक जो कान में क्यों भूकंप को निकालो आए भूकंप को नहीं तारो मार जो आएगो और कंस आप मुकुट ठीक करियो और कहने की भगवान कृष्ण राधे मेरो ब्याह उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा तू तेरो ब्याह राधिका गोरी से बोलो हाथ ऊपर कीजिए छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह छोरी से मैया करा